इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच से पहले रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली की फॉर्म पर बात की थी। दोनों ने विराट पर भरोसा जताया था और फाइनल में कोहली कप्तान और कोच के भरोसे पर खरे भी उतरे। कोहली ने शानदार 50 जड़ा। मैच में उन्होंने 76 रन की दमदार पारी खेली। मैच में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे थे कोहली। रोहित 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत खाता भी नहीं खोल पाए। उसके बाद कोहली ने इंडियन इनिंग्स को संभाला। कोहली ने इस टूर्नामेंट की अपनी पहली 50 लगाई। 48 गेंद पर ये 50 आया। उनके करियर की ये 38वीं 50 है। इसके साथ ही कोहली ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 प्लस बनाने में बाबर आजम की बराबरी कर ली। दोनों के नाम 39, 39, 50 प्लस के स्कोर हैं। बात सिर्फ 50ों की करें तो विराट के नाम इस फॉर्मेट में 38-85 हैं, जबकि बाबर ने 36-85 मारे हैं। बाबर के नाम इस फॉर्मेट में 3 शतक हैं, जबकि कोहली ने 1 शतक मारा है। इसके साथ ही कोहली अब इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में भी बाबर से आगे निकल गए हैं। कोहली के नाम अब 117 पारियों में 4188 रन हैं, जबकि बाबर ने 116 पारियों में 4145 रन बनाए हैं। इस लिस्ट के टॉप पर रोहित शर्मा हैं, इन्होंने 151 पारियों में 4231 रन जोड़े हैं। कोहली ने साउथ अफ्रीका के साथ नॉकआउट मैच में अपना शानदार रिकॉर्ड भी जारी रखा। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2014 के सेमीफाइनल मैच में कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ 44 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए थे। इस फाइनल मैच में कोहली ने 59 गेंदें खेली, 76 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 128 से ज्यादा का रहा। मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पारी का दूसरा ओवर करने आए केशव महाराज के लिए ओवर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। रोहित शर्मा ने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए। दूसरा चौका तो रिवर्स स्वीप में जड़ा, लेकिन महाराज ने फिर वापसी की। चौथी गेंद पर रोहित शर्मा स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में क्लासिक को कैच थमा बैठे। रोहित ने 5 गेंद में 9 रन बनाए। रोहित को पिच पर रिप्लेस किया ऋषभ पंत ने। पंत ने पहली गेंद डॉट खेली, लेकिन अगली ही गेंद पर वो कैच आउट हो गए। फुल टॉस गेंद को स्वीप करने के चक्कर में गेंद पंत के बैट का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर डिकॉक के हाथों में चली गई। उन्होंने आसान सा कैच ले लिया। पंत अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उन्होंने 2 गेंद में 0 रन बनाए। कोहली की 76 रन की पारी के अलावा अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। शिवम दुबे ने 27 रन की पारी खेली। भारत ने मैच में अफ्रीका को 177 रन का टारगेट दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है प्रशांत ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।